कि जो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने पाक सहाबा, इतने पाक अजहाब और ऐसी उनकी तरबियत जो खातमुन नबीयीन ने की है, जो रहमतुल्लिल आलमीन ने की है, ऐसे उनके शम रिसालत के परवाने और कलमा गो कैसे हो सकता है कि उनकी औलाद के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर इस तरह से बहीमाना जुल्म करें और ऐसे वहशतनाक तरीके से जैसे आप बयान करते हैं उस तरीके से वो कत्ल कर दें। तो ये वाकया तो बिल्कुल पेश आने का कोई इम्कान ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो फिर हम अपने अपने दलाइल को उनके सामने रखते हैं। सबसे पहली दलील तो यह है कि तमाम मकाते फिर की किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं कि बाद वफात रसूल कुछ लोग थे कि जो धमकी तो कुछ लोग थे कि जो धमकियाना अंदाज में उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और जो बिन्त रसूल के घर में अफराद मौजूद थे उनको बाकायदा ज़बरदस्ती निकाला गया, बुलाया गया ताकि वो बैत करें, और बैत करने का जिक्र मुतअद्दिद किताबों के अंदर मौजूद है। फ़िलहाल हमारा वो मौजू नहीं कि हम सारी किताबों के नाम और उनके सफ़ात आपके सामने पेश करें, लेकिन इतना ज़्यादा ये अजहर बिन शम्स बात है और सूरज की तरह रोशन ये बात है कि कोई भी किसी भी कदीमी किताब को देखें तो उसके अंदर ये जिक्र मौजूद है। तो सबसे पहली दलील तो यह है कि ये बात बिल्कुल भी हमारी ख्याली, हवाई, वहमी कोई बात नहीं है, कोई तासुब वाली बात नहीं है। ये बातें किताबों के अंदर जिक्र हुई हैं और छुपाई गई हैं, लोगों को बयान नहीं की गई हैं, इसलिए लोगों को थोड़ी सी अजीब लगती है बात, पहली बात ये। दूसरी बात यह कि जो ये कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कि पैगम्बर के कलमा गो इस तरह से काम करें, पैगम्बर ही की बेटी के साथ इस तरह से ज्यादतियाँ करें। तो फिर ये जो कहते हैं ना कि काबिल तसव्वुर नहीं है, इम्कान नहीं है बिल्कुल भी, तो हम अब उसके ऊपर सेकंड नंबर पर ये दलील दे रहे हैं कि देखिए इम्कान है। क्यों इम्कान है? क्योंकि देखिए उसी रसूल के नवासे को क्या इन्होंने 3 दिन का भूखा प्यासा नहीं मारा? क्या उसी रसूल के दूसरे नवासे को जहर देकर शहीद नहीं किया गया? मजबूर नहीं हुए कि जन्नतुल बकी में उनको दफनाया जाए? सिर्फ उनके नवासों की और उनके साहबजादों की बात नहीं है, पूरा उनके घराने के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा गया, क्या ये किताबों के अंदर मौजूद नहीं कि करबला के वाकये में क्या क्या बातें सामने आई हैं? और वही उम्मत रसूल और कई अफराद तो वो थे कि जिन्होंने पैगम्बर अकरम का ज़माना दर्क किया था और पैगम्बर को अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने ये सामने जुल्म होता हुआ देखा और या खामोशी इख्तियार की या उन्हीं जालिमों के साथ शरीक हो गए। तो क्या ये हमारे सामने नहीं है वाकयात? तो जो ये कहते हैं कि बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, अरे ये हुआ है वाकया, इसके बाद हुआ है फिर से, ये तो आप इसको तो कम से कम डिनाई नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात कि जरा तारीख को जाकर देखिए, सिर्फ पैगंबर के कलमा गोयों ने ये काम नहीं किया है, पैगंबर से पहले भी जितने अंबिया आए थे उनके भी कलमा गोयों ने क्या क्या काम किए हैं, और कलमा गोयों ने तो किए हैं, उनके कौम वालों ने क्या काम किया, हजरत साले की कौम ने, हजरत हूद की कौम ने, उन्होंने जो काम किया और उन्होंने जो ज्यादा की, हजरत मूसा की कौम के कई सारे वाकयात मौजूद है। कितने ज्यादा हजरत मूसा का इनकार करने वाले थे, वो तो छोड़ दीजिए, खुद हजरत मूसा हो या दीगर अंबिया हो, कभी कभार उनकी औलाद के वाकयात ऐसे मिलते हैं कि उन्होंने दूसरों के ऊपर जुल्म किया जो नबी नहीं थे। जाहिर सी बात है कि नबी तो ये जुल्म नहीं कर सकते, वो औलादें कि जो उनकी नबी नहीं थी, उनको नबूवत नहीं मिली थी, उन्होंने जुल्म किए, जैसे हजरत याकूब की औलाद, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी खुदा हैं, उनकी औलाद ने क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में नहीं फेंक दिया? और वो तो कुएं में फेंक कर ये समझ रहे थे कि हमने मार डाला है, तो खुदा बचाने वाला था और खुदा ने किसी मसलत की खातिर बचा लिया। और पूरी एक तफसील दास्तान के बाद जिसको कुरान ने भी जिक्र किया है, उसके बाद दोबारा से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो क्या ये ज्यादतियां उनकी औलाद ने नहीं की है? और सबसे पहला जुर्म जो हम जाहिरी तौर पर दे सकते हैं दुनिया में पेश आया है, वो भी कत्ल ही का जुर्म है। और किसने कत्ल किया किसको? एक नबी जादे ने एक नबी जादे को कत्ल कर दिया, तो ये भी तसव्वुर से बाहर है बात। अभी तो दुनिया का आगाज हुआ, अभी किस चीज की लालच है, अभी किस चीज की तमा है, कितनी दुनिया की मोहब्बत है कि यह काम इंसान कर सकता है, लेकिन हुआ है। तो जो चीजें रिवायतों में जिक्र हुई हैं, ये तारीख वाकयात में जिक्र हुई है और मुतवातिर जिक्र हुई है, उसको डिनाई ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ये काबिल फहम बात नहीं है, काबिल इम्कान बात नहीं है। नहीं, ये हुए हैं वाकयात।
तो काबील ने हाबील को कत्ल किया, और कत्ल ये तो बहुत मुख्तसर सा लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ के अंदर कितनी गहराई पाई जाती है इसको तो महसूस कीजिए, कत्ल होने का मतलब क्या है। एक जिंदा जीता जागता इंसान, उसको कैसे मारा गया। कुरान ने पूरी तफसील बयान नहीं की, लेकिन रिवायतों में जिक्र है कि बाकायदा एक भाई ने, जो नबी ज्यादा ही है, उसने अपने दूसरे भाई नबी ज्यादा ही को बड़े सा पत्थर उसके सर पर मार कर लहू लहान करके खून आलूद इस तरीके से शहीद कर दिया। तो ये भी काबिल फहम बात नहीं है, लेकिन हुआ है एक नबी के बेटे के साथ। तो जब नबी के बेटे के साथ आगाज खिलकत में बात आ सकती है, तो इख्तिताम नबूवत पर फिर एक नबी की बेटी के साथ इस तरह का वाकया हो, किसने कहा कि मुमकिन नहीं है। इम्कान है और हो सकता है। और फिर उन्हीं की औलाद के साथ जो वाकयात पेश आए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उसके बाद और पता चलता है कि ये उम्मत का किरदार क्या था सामने। और फिर मौला अली के साथ जो जंगें हुई हैं, तो जंगें भी सिर्फ ये छोटे छोटे लफ्ज हैं जंग, लेकिन इस लफ्ज जंग के अंदर कितने खानदान उजड़ गए, कितना खून बहा है, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने खवातीन बेवा हो गई हैं। ये पूरी दास्तान कहाँ की दास्तान है? ये उसी रसूल की उम्मत की दास्तान है। तो ये वाकयात हुए हैं और हो सकता है, इसलिए आप भी तहकीक कीजिए, आप भी मुताला कीजिए, फिर अगर आपका दिल नहीं मानता है तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं किताबों के अंदर। और देखिए तारीख के अंदर बात यह है कि दो चीजें, जब भी इंसान तारीख को पढ़ता है तो दो ही नतीजों पर पहुंच सकता है। या तो तारीख के वाकयात को पढ़ने के बाद इंसान यकीन तक पहुंच सकता है कि हाँ जो वाकया लिखा हुआ है वो इतनी मुतादित किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इतने मुतादित उलमा ने जिक्र किया है, इतनी जगह पर रिपीट हुआ है उसका जिक्र, कि यकीन हो जाता है कि यह वाकया जरूर हुआ है, इंसान यकीन पर पहुंच जाता है, तवज्जो रखिएगा। और दूसरी सूरत यह है कि इंसान किसी तारीख के वाकये को पढ़े और फिर इस नतीजे पहुंचे कि भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, हो सकता है कि हुआ हो और हो सकता है कि ना हुआ हो। यही दो सूरतें, इसके अलावा तो कोई और सूरत नहीं बन सकती। अकल यही कहती है कि या इंसान यकीन पर पहुंचेगा कि वाकया हुआ है, या फर्ज कीजिएगा इस यकीन पर पहुंचेगा कि वाकया नहीं हुआ, जिस भी यकीन पर पहुंचे लेकिन यकीन पर पहुंच जाता है। तो पहली सूरत यह बनती है कि किसी भी तारीख के वाकये को पढ़ने के बाद इंसान यकीन तक पहुंचता है, या दूसरी सूरत यह होती है कि यकीन तक नहीं पहुंचता, शक में रहता है कि शायद हुआ हो शायद ना हुआ हो। यही दो सूरतें हैं। अगर आप यकीन तक पहुंच गए इतनी सारी रिवायतों को देखने के बाद कि हां बिनते रसूल के साथ यही वाक्य पेश आया है, तो वही बात होगी जो हम कह रहे हैं। और अगर आप यकीन तक नहीं पहुंचे कि शायद हुआ है और शायद नहीं हुआ, तो जो जो अफराद यकीन तक पहुंच चुके हैं उनको आप काफिर नहीं कह सकते, उनकी तकफीर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हो और आप गलत कह रहे हो, क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं शक में हूं। इसका मतलब आपने अपने बारे में तो कह दिया कि मैं शक में हूं, दूसरा यकीन तक पहुंच गया, उसके बारे में आप कोई फैसला नहीं कर सकते कि वो काफिर हो गया है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप भी यकीन तक पहुंच जाए। तो इसलिए इसके दो ही नतीजे निकलते हैं, तारीखी वाकयात जो शहादत हजरत ज़हरा सलामुल्लाह के वाकयात हैं उनको पढ़ने के बाद, या इंसान मकतबे अहले बैत पर आ जाता है, या कम से कम इतना नतीजा निकलता है कि फिर शियों को काफिर नहीं कहता, कम से कम शक में आ जाता है कि हाँ ऐसा वाकया हो सकता है कि पेश आया भी हो। तो ये दोनों नतीजे उस वक्त निकलेंगे जब इंसान तहकीक करे, किताबों को पढ़े, मुताला करे, तो या वो मकतबे अहले बैत का पैरोकार बन जाएगा, या कम से कम जो मकतबे अहले बैत के पैरोकार हैं उसको काफिर कहना छोड़ देगा कि ये वाकयात किताबों में मौजूद हैं, हो सकता है कि ऐसा वाकया पेश आया हो। एक दुरूद पढ़ दीजिएगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब भी हम तारीख को पढ़ें और किसी तारीख के वाक्य को पढ़ें, तो हमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह उसे देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है? फर्ज कीजिए कि इसी कमरे के अंदर कोई वाक्य पेश आया, इसी हॉल के अंदर कोई वाक्य पेश आया है, और यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब ने यह तय कर लिया कि जो वाक्य पेश आया है उसके बिल्कुल बरअक्स कोई और कहानी पेश करेंगे कि भाई यह हुआ था। और थोड़ा सा आप तसव्वुर करें कि जैसे हजरत यूसुफ और हजरत यूसुफ के भाइयों का वाकया था कि भाइयों ने कोई और ही स्टोरी बयान की कि कोई भेड़िया आया था और उसने वो खा गया और इस तरह से हो गया वाकया।
तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और जो सीरियस होता है इस मामले के अंदर कि हम वाकई चेक करें कि जो ये कह रहे हैं वैसा ही हुआ है या कुछ और हुआ है, तो वो छोटी छोटी बातों को भी नोट करता है। हजरत याकूब ने क्या नोट किया कि अगर भेड़िए ने इसको खाया और तुम ये जो लिबास लेकर आए हो मेरे बेटे हजरत यूसुफ का, अगर भेड़िए ने हमला किया होता तो मेरा बच्चा भागता, दूर जाने की कोशिश करता और भेड़िया पीछे से आकर पकड़ता और वार करता, तो लिबास पीछे से फटा होना चाहिए था, ये आगे से लिबास कैसे फटा हुआ है? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही काम करता है, ऐसे बातों पर यकीन नहीं करता, छोटी छोटी बातें नोट करता है कि ये क्यों हुआ है, फिर ये वाली बात क्यों आप बयान कर रहे हो, फिर ये क्यों ऐसे वाकई क्यों पेश आया है। और जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो जाए वकू पर भी मौजूद होता है, तो वो अलामत देख रहा होता है कि हाँ ये टूटा हुआ मिसाल के तौर पर कबर बंद मौजूद है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों यहाँ से ये फटा हुआ है, या खून यहाँ पर मौजूद है, खून इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है, जो निशान आया है वो बदन के किस हिस्से पर आया है, वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, सिर्फ लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता। यही काम हमें तारीखी वाकयात बिलखसूस हज़रत ज़हरा के चूँकि अय्याम हैं तो उनकी शहादत के उनवान पर भी हमें ये काम करना है कि सिर्फ लोगों ने बातें कह दी वो काफ़ी नहीं है, ये तो देखें कि जो बातें कही हैं इतने सख्त हालात में हुकूमत की इतनी पाबंदियों के बावजूद ये छोटी छोटी रिवायतें भी हमारे सामने कैसे निकल आई, इसका मतलब कोई बहुत पीछे वाकया मौजूद है, बहुत बड़ी बात मौजूद है। और सही बुखारी के अंदर अगर ये चार मकामात पर रिवायत है, कोई छोटी बात नहीं है ये कि इतनी अहम किताब जो आपकी निगाह में इतनी मोतबर किताब है, उस किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फ़लाँ के पास गई, अपने हक का मुतालबा किया, उससे देने से इनकार कर दिया और फिर बिनते रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा उससे नाराज़ हो गई, गज़बनाक हो गई और ये नाराज़गी बाकी रही और ये चलती रही और ना हज़रत ज़हरा ने उसे कबूल किया और ना ही उसने हज़रत ज़हरा को राज़ी करने की कोशिश की, यहाँ तक के कुछ दिनों के बाद और सही बुखारी के मुताबिक 6 महीने के बाद दुख्तरे रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है, इसके पीछे यकीनन दास्तान है कि क्या इन 6 महीनों के अंदर कभी उस शख्स को ये तौफीक नहीं हुई कि आए और बिनते रसूल को राजी करने की कोशिश करे, और क्या बिनते रसूल भी इतनी ज्यादा गजबनाक हो गई है, क्या कोई जिद आ गई है कि नहीं मुझे नहीं मानना है उसको, तो मैं अब कभी भी उससे राजी नहीं होंगी। बिनते रसूल का किरदार हम देखते हैं कि बाकी सालों के अंदर पैगंबर की हयात के अंदर कितनी आयतें हैं जो बिनते रसूल की शान में नाजिल हुई हैं, वो जो युतिमून अताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, वो जो देने वाली हो खिलाने वाली हो एक बाग फिदक के लिए वो बैठ जाएंगी, बात समझ में नहीं आती। तो फिर हमें ये जो छोटे छोटे निशानात होते हैं उससे असल वाक्य तक पहुंचना होता है कि फिर क्या हुआ है और क्या इसकी डिटेल्स है। और सही बुखारी के अंदर एक रिवायत यानी एक उनवान के ऊपर रिवायत चार चार अलबत्ता मौजूद है लेकिन उनवान एक ही है, अगर मौजूद है तो फिर सही बुखारी के अलावा किताबों के अंदर क्या है, खुद मकतब अहले सुन्नत के अंदर कौन कौन सी किताबें हैं कि जिसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर फ़रायद उस्समतैन एक किताब है, बेहतरीन किताब, उसके अंदर बहुत सारी बातें वजाहत के साथ लिखी है और जो हम नॉर्मली उलमाए किराम से सुनते रहते हैं हज़रत ज़हरा की शहादत के बारे में वो सब की सब बातें उस किताब के अंदर मौजूद है, फ़रायद उस्समतैन। जब हम इस किताब की बात करें या किसी भी दूसरी किताब की बात करें जो साय सित्ता से हटकर हो, तो क्या सामने से जवाब देते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ साय सित्ता को मानते हैं, सिर्फ सही बुखारी को मानते हैं, इसके अलावा किसी और किताब को नहीं मानते। जबकि फ़रायद उस्समतैन ये जो किताब लिखी है ये किसी छोटे मोटे मौलवी ने नहीं लिखी है, ये उस आलिम दीन ने लिखी है कि जिसको उस जमाने के लोग इमाम कहते थे, इमाम जुवैनी, उनकी लिखी हुई किताब है। तो इसका मतलब कोई छोटा आलिम दीन नहीं है कि जो शियों से मरगूब होकर और शियों की बातें सुनकर उसने अपने अकीदे छोड़ दिए और फिर बातें लिख दी। इतना बड़ा मुहक्किक, इतना बड़ा मौर्रिख कि उसको उस जमाने के खुद अहले सुन्नत अवाम इमाम कहती थी, क्योंकि अहले सुन्नत तो हमारी तरह 12 इमामों को से भी इमाम नहीं कहते, वो तो जो भी किसी फन के अंदर काम किया उसको इमाम कहते हैं, जैसे इमाम बुखारी कह देते हैं, इमाम अबू हनीफा कह देते हैं, इमाम मालिक कहते हैं या इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं। तो ये इमाम का लकब उनके यहाँ कोई और माना रखता है, हमारे कोई और माना रखता है, लेकिन वो भी अपने यहाँ की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी को इमाम कहते हैं। हत्ता चाहे कितने ही बड़े हो डॉक्टर इसरार अहमद, उनको इमाम नहीं कहा गया,
कितने ही बड़े हो डॉक्टर ताहिर कादरी, लेकिन उनको इमाम नहीं कहा गया। लेकिन इमाम काबा हो या कोई और बड़ा बड़ी शख्सियत हो, उसको जाकर फिर वो इमाम कहते हैं कि जिसके ऊपर तमाम उम्मत अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। तो ये फराइद उस्समतैन जो किताब लिखी है, ये कहकर के भाई ये सही साहिब सित्ता के अंदर नहीं आती किताब, इसलिए हम इसको नहीं मानते, देखो तो उसे लिखने वाला कौन है? इमाम जुवैनी ने किताब लिखी है, आपके इमाम ने किताब लिखी। इसी तरीके से एक और किताब जो अल्लामा सुयूती ने लिखी है, वो फजाइल हजरत ज़हरा सलामुल्लाह पर है। एक और किताब हाकिम निशापुरी ने लिखी, वो फजाइल हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह पर है। और शवाइद तंजील नामी किताब है जो पंजतन पाक की जो फजाइल है उसके ऊपर मौजूद है किताब। या मुस्तदरक अल सही हैं जो किताब है वो हाकिम निशापुरी ने लिखी। ये जो लफ्ज़ है अल्लामा, ये जो लफ्ज़ है हाकिम निशापुरी, हाकिम का जो लफ्ज़ है, ये अलकाबा छोटे लोगों को नहीं मिलते हैं, अपने ज़माने के जो बहुत बड़े मौर्रिख और बहुत बड़े मुहक्किक होते थे उनको मिला करते थे। उन्होंने ये किताबें लिखी हैं, तो ज़रा इनकी किताबों को पढ़िए। और जो ये तसव्वुर करते हैं कि सही बुखारी के अंदर अगर चीज़ें मौजूद होंगी तो हम उसको मानेंगे, तो सही बुखारी में कम अज़ कम ये रिवायत तो है ना, इसका मतलब ये तो नतीजे निकलता है इस रिवायत से कि हजरत फातिमा जहरा मरते मर गई लेकिन उन्होंने फला को नहीं माना। तो क्या आप जरूरत कर सकते हैं हजरत फातिमा के अकीदे पर कोई बात करें और कोई कहने की जरूरत कर सकता है कि वो गलत अकीदे पर थी? नऊज़ु बिल्लाह। तो फिर हजरत जहरा का जो अकीदा है वो इसी एक रिवायत सही बुखारी से भी साबित होता है, और अगर कोई इस रिवायत को मानते हुए जनाब जहरा के अकीदे पर है तो उसमें क्या हर्ज है? आपकी किताब के अंदर ये बात मौजूद है। और फिर अजीब बात यह है कि उस सही बुखारी का भी अगर लेवल देखा जाए कि वो किस लेवल की किताब है तो इंसान हैरान हो जाता है। इतनी अजीब व गरीब बातें सही बुखारी की रिवायात के अंदर जिक्र हैं कि जिसको मिंबर से शिया तो शिया अहले सुन्नत भी बयान नहीं कर सकते। तसव्वुर से बाहर है, ऐसी ऐसी रिवायात बाकायदा सराहत के साथ जिक्र है, इतनी तौहीन आमेज कि इंसान पढ़ते हुए शर्म महसूस करता है कि ये मेरे नबी के बारे में लिखा हुआ है, ये मेरे नबी के बारे में लिखा हुआ है। और उसी नबी की तस्वीर अगर कुरान में देखो तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या खूबसूरत तस्वीर है। और उसी नबी की तस्वीर अगर साय सिद्दा के अंदर इंसान देखे तो अजीब गरीब महसूस होता है कि ये कौन सा इंसान है कि जिसको लोग नबी मान रहे थे, हैरान हो जाता है। तो इसलिए जो अपने अकीदों को सही बुखारी से ही टटोलना चाहते हैं उनके लिए एक ये कह लीजिए कि पैगाम है कि वो दूसरी किताबों को भी देखें, फिर सही बुखारी को भी देखें, तो सही बुखारी की भी रिवायत बहरहाल मौजूद है, और फिर खुद सही बुखारी का भी कैलिबर देखें और उसके बाद फिर उसकी रिवायात पर एतबार करें। अच्छा, हमारे पास बहुत दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है, बात हमें कई और किसी और जनरेशन में लेके जानी थी कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह उनके ऊपर जो हमारा अकीदा है वो एक तरफ, साथ साथ हजरत ज़हरा का जो किरदार है उनका जो अखलाक है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बिलखसूस जो शरह सदर की बात हजरत ज़हरा की ज़िंदगी में नज़र आती है कि सारी रात दुआएं करती रही दूसरों के लिए, और जब इमाम हसन ने सवाल किया कि आपने हमारे लिए दुआ नहीं की तो फरमाया अद्दार सुम अलजार सुम मद्दार, कि पहले बाहर वालों के लिए पड़ोसियों के लिए दुआएं फिर घर वालों के लिए दुआएं, इसका क्या मतलब है? खुद हमसे भी कभी कभार इस तरह से कोताहियाँ हो जाती हैं कि हम कभी किसी के लिए काम करने के लिए निकलते हैं तो फौरन से अकीदे चेक करते हैं, ये अपना वाला है तो इसकी मदद की जाए, ये दूसरा है इसको दूसरे देखेंगे हम इसकी मदद नहीं करेंगे, अपना वाला है तो उसके लिए दुआ होगी, वो दूसरा है उसके लिए हम दुआ क्यों करें? ना ये पैगंबर की सीरत है, ना हजरत ज़हरा की सीरत है, ना ही आइमा अतहरमसलाम की सीरत है। हजरत ज़हरा पड़ोस वालों के लिए दुआएं किया करती थी, और पड़ोस वालों में सब ऐसे नहीं थे कि जो हजरत ज़हरा को या हत्ता उनके बाबा जान को नबी मानते हो, लेकिन हर एक को दुआओं के अंदर शामिल किया, किसी की हिदायत के लिए दुआ की, किसी के माल दौलत के लिए दुआ की होगी, किसी की दुनिया और आखिरत में हसनात के लिए दुआ की होगी, लेकिन दुआएं करते रहे, हर एक को याद किया। आइमा का जो किरदार है हमें क्या मिलता है रिवायात के अंदर, रात भर निकला करते थे लोगों को रोटियां देने के लिए, तो किसके घर जाते थे? जो उनको इमाम मानता था सिर्फ उसके घर जाते थे, जो नहीं मानता था उसके यहां भी जाते थे। हम कितना ज्यादा दूर हैं और कितना ज्यादा फासले पर हैं अपने आइमा से,
हम अपने लोगों को भूल गए हैं रातों के अंदर, चे जाके दूसरों की बात करें। कोई मिसाल है हमारे सामने कि लोग अपने घरों से निकले रात में और बाकायदा अपने पड़ोस वालों को कुछ देने के लिए निकले कि उनकी जरूरत है उनको ये पहुंचा दिया जाए। शेख भाई का वाकया यकीन आपने सुना होगा कि जब वो हरम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बना रहे थे तो उन्होंने वहाँ के मज़दूरों को हुक्म दिया था कि इस मेन दरवाजे को नहीं बनाना जहाँ से इंसान ज़री की तरफ जाता है। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा बनाया जा चुका है, तो मज़दूरों के ऊपर बड़े गज़बनाक हुए कि मैंने मना किया था कि दरवाज़ा नहीं बनाना, फिर क्यों बनाया? कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए। वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि खुद बादशाह के ऑर्डर्स थे, शाह सफवी के ऑर्डर्स थे कि इस दरवाजे को मुकम्मल किया जाए शेख भाई के आने से पहले। तो अच्छा, बादशाह से भी शेख भाई के डर्म्स थे, यानी बहुत अकीदत रखते थे शाह अब्बास सफवी शेख भाई से। तो शेख भाई ने कहा कि मैंने मना किया था, फिर आपने क्यों बनवाने का हुक्म दिया? कहा कि ख्वाब में इमाम रजा आए थे और फरमाया कि शेख भाई के आने से पहले यह दरवाजा बना दो, हमने इमाम रजा के हुक्म पर बनाया है। तो फिर वो वहां पर खड़े रहकर रोने लगे, और जब सबक मालूम किया तो कहा कि मैं इस दरवाजे के ऊपर एक ऐसा तिलस्म और एक ऐसी तख्ती लगवाना चाहता था कि जो इमाम रजा का चाहने वाला हो सिर्फ वही इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो सके, और जो चाहने वाला ना हो, उनको मानने वाला ना हो, यह दरवाजा खुद उसके लिए शील्ड बन जाए और एक रुकावट बन जाए कि वो गैर दाखिल ही ना हो पाए और बाहर से ही चला जाए मजबूरन। लेकिन इमाम रजा ने अगर आपको हुक्म दिया है कि मेरे आने से पहले बनवा लो, इसका मतलब है कि इमाम रजा चाहते ये हैं कि मेरे दरवाजे पर सिर्फ अपने ना आए, जो अपने और गैरों सभी के लिए मेरा ये दरवाजा खुला रहे। जनाब सैयदा का किरदार यही है, शरह सदर होना चाहिए, सभी के लिए हमारा दरवाजा खुला है, सिर्फ दावा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजलिसों में अब तक भी कहीं ना कहीं ये मेयार कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाजिद के अंदर भी ये मेयार कायम है कि ना हमारी मस्जिद के किसी दरवाजे पर लिखा है कि ये फ़िक़्हे जाफ़रिया के मानने वालों की मस्जिद है, ना किसी इमाम बारगाह की मस्जिद दरवाजे पर लिखा हुआ है, ना ही किसी आज़ादारी के पोस्टर पर लिखा हुआ है, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है शरे सदर के साथ।